हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल तक मैंने आपको हिंदी का वर्क कराया था, जिसमें आपको स्टार्टिंग से किया था वर्णमाला, जिसमें व्यंजन और स्वर अलग अलग समझाए थे मैंने आपको। उसके बाद आपके दो शब्द वाले, तीन तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द। उसके बाद फिर मैंने आपको मात्राएं समझाई थी। इतना हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था ना इन क्लासेज में। लेकिन अब आपका आज से हो रहा है हॉलीडे। आज से आपकी जैसे हर साल छुट्टियां होती थी ना जून में, वैसी आज फिर छुट्टी हो रही है आपकी। और छुट्टियों के लिए क्या है, आप फ्री रहोगे पूरे महीने, तो इसलिए हमने आपके लिए हॉलीडे होमवर्क इन वो हॉलीडे होमवर्क ऑफ हिंदी। किसका वर्क दे रही हूँ मैं आपको? हॉलीडे होमवर्क हिंदी का। अब हिंदी में हॉलीडे होमवर्क जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से ही आपको दिया है मैंने। वो सब आपको जो चीज़ें आती आ चुकी हैं अब तक। अब आ से ज्ञा तक वर्णमाला लिखिए। अब आपको क्या करनी है, आ से ज्ञा तक वर्णमाला लिखनी है, जिसमें स्वर और व्यंजन, स्वर अलग लिखने हैं और व्यंजन अलग लिखने हैं। अ से लेके अंगा तक यहाँ लिखोगे और का से लेके ज्ञा ज्ञानी तक यहाँ पर लिखोगे। ये है आपका होमवर्क। और जैसे मैंने बताया इसमें पेज पे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको करने हैं। आपको स्वर और व्यंजन एक साथ नहीं लिखने हैं, अलग अलग लिखने हैं। आप देखिए, दूसरा वर्क है आपका, गोले में दिए गए वर्ण को जोड़कर शब्द बनाइए। गोले में दिए गए वर्ण को जोड़कर शब्द बनाइए। अब आपको कैसे करना है, प के साथ क्या जोड़ोगे, ल, तो क्या लिख जाएगा, पल। आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सिखा भी रखा है कि किस तरीके से आपको ये वर्क करना है। जैसे न ल, न और ला जोड़ा तो क्या लिख गया, नल। फिर आप च और ला को जोड़ेंगे, फिर फ और ला को जोड़ेंगे, फिर म और ला को जोड़ेंगे, फिर ह और ला को जोड़ेंगे, फिर ब और ला को जोड़ेंगे, फिर क और ला को जोड़ेंगे और प और ल को जोड़ेंगे। ऐसे सभी के साथ, सभी जो वर्ण ऊपर दे रखे हैं उनको गोले के साथ जोड़ना है, और जोड़ के फिर आपको यहाँ पे शब्द लिखने हैं दोनों साइड। फोर शब्द इधर लिखने हैं, फोर शब्द इधर लिखने हैं। ऐसे ही नीचे वाले में करना है बिल्कुल, दोनों जगह, है ना। और आपको वर्क इंटरेस्टिंग बनाया है मैंने, जिससे कि आपको करने में मजा आए। अब आपके लिए आया है वर्क क्या, तीन अक्षर वाले पांच अमात्रिक शब्द लिखिए। अमात्रिक मतलब बिना मात्रा वाले। मैंने आपको कराए थे ना अभी पिछले वाले जो वीडियो है उनमें, इसलिए अब मैंने फिर आपको दिया है ये आपको होमवर्क में। तो आपको कितने लिखने हैं, पांच शब्द, 1 2 3 4 5। पांच शब्द आपको यहाँ कौन से लिखने हैं, तीन अक्षर वाले। फिर यहाँ ये चार अक्षर वाले पांच अमात्रिक शब्द लिखिए। अब यहाँ पे आपको पांच लिखने हैं, लेकिन चार अक्षर वाले अमात्रिक, जिन पर कोई मात्रा नहीं होगी, ना आकरंडा ना कोई साधारण वाले। जैसे कि कमल, अमन, ये कैसे हैं, वो सॉरी मैं भूल गई थी, आपको ये कैसे चार अक्षर वाले। तो जैसे लिखना है झट पट, खट मल, नट खट, बचपन, सरकस। इस तरीके से आपको चार अक्षर वाले लिखने हैं, और यहाँ पे तीन अक्षर वाले लिखने हैं, जैसे कमल, नकल, सड़क, अकल, वजन, इस तरीके से। अब यहाँ आपको मैंने दिया है बाद में आने वाला वर्ण लिखिए, जो इस अक्षर के बाद में आएगा। अ के बाद क्या आता है, बड़ा, आ, ऋषि ऋषि के बाद ए से एड़ी। इस तरीके से बाद वाला वर्ण लिखना है। इधर पहले आने वाला वर्ण लिखिए, इसमें क्या करना है आपको, पहले आने वाला वर्ण। देखिए इससे समझ जाइए कि जब आपको बाद में लाइन खींची है तो कैसा है, बाद वाला शब्द लिखना है, लेकिन जब पहले लाइन दे रखी इसका मतलब क्या है, पहले वाला वर्ण लिखना है। यहाँ बीच में आने वाला वर्ण लिखिए। अब यहाँ क्या करना है, दो अक्षर दिए हैं, दोनों के बीच में जगह खाली है ना, तो यहाँ क्या करना है आपको, बीच वाला अक्षर लिखना है। तो ये आपका हिंदी का होमवर्क। अब यहाँ पे आपको करना है चित्र देखकर नाम लिखिए। क्या करना है, चित्र देखकर नाम लिखिए।
ये जो मैंने चित्र बनाए हैं इन चित्रों को देखिए और यहाँ पर नाम लिखते जाइए। ये क्या लिखा, क्या बना हुआ है? जग। तो क्या लिख दोगे? जग। ये किसका पिक्चर बना हुआ है? घर। यहाँ क्या लिखोगे? घर। ये वेरी गुड, नल। ये कप। यहाँ दस। ये खत। ये टब। और ये नथ। और ये फल। ठीक है, तो ये आपको दो अक्षर वाले शब्द लिखने, तो कोई मात्रा नहीं लगानी, साधारण शब्द हैं आपको। अब इतना है आपका, क्या है? हिंदी होमवर्क, हिंदी वाला, क्योंकि आपको ना हिंदी क्लास दी थी, यहीं तक के शब्द समझाए थे जो मैंने आपको होमवर्क में दी। कोई भी चीज़ अलग से नहीं है, जो पढ़ा चुकी हूँ वही सारी चीज़ें होमवर्क में दी हैं मैंने आपको। ठीक है, अब आपको भी मैं EVS का होमवर्क और दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपकी दो क्लासेज ली थी, एक हिंदी की और EVS की, तो दोनों का ही होमवर्क तैयार, ऑलरेडी होमवर्क तैयार कर लिया मैंने, जो आपको हिंदी का भी दे चुकी हूँ और अभी EVS का भी दे रही हूँ। थैंक यू।